और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीत लिया है। विजेता भारतीय टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि टेबल टेनिस में बड़ी खुशखबरी, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जी साथियान, हरमीत देसाई, शरद कमल और सानिल शेट्टी की शानदार टीम को बधाई और इस टीम ने ऊंचे मानक स्थापित किए, चाहे वो कौशल में हो या दृढ़ संकल्प में, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने लॉन बॉल इवेंट में एक और गोल्ड हासिल कर लिया, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भारतीय टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत, लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेनमोनी सौकिया, रूपा रानी टिर्की पर लॉन बॉल्स में प्रतिष्ठित गोल्ड लाने के लिए भारत को गर्व है। टीम ने महान निपुणता का प्रदर्शन किया और उनकी सफलता कई भारतीयों को लॉन बॉल्स की तरफ प्रेरित करेगी। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस गेम में वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। इन चार खिलाड़ियों ने वो इतिहास रच दिया जो लॉन बॉल्स पे हमारे पास गोल्ड है। सबसे पहले तो इस गोल्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। इसको कैसे बयां करोगे, कैसा खेल जिसे भारत में कोई नहीं जानता और अब जानते नहीं, पहचानते नहीं, अब तो सैल्यूट कर रहे हैं सब। इसलिए हमें मेडल लाना जरूरी था। जो आपने बात बोली उसका जवाब ये है, थोड़ा पहले कठिन था लेकिन अभी लग रहा है सब कोई अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग ठान लिया था मन में, हम लोगों को कमलवन में मेडल लाना था तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग आपस में मिल के करके दिखाया है, शायद अच्छा ही होगा। अभी देखो ऐसे खेल को खेलना जिसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हमेशा ही हॉकी और फिर जो नेशनल गेम है हॉकी, क्रिकेट को ही पूछा जाता था। ये गेम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब तक एक अच्छा मेडल ये गेम नहीं दिलाता तब तक इस गेम की पहचान नहीं होती, और आज इस गेम की पहचान पूरी तरीके से शायद इंडिया में हो गई है और आने वाले समय में नेशनल गेम्स में या जो भी हो, इंडिया के बहुत सारे लोग इस गेम को खेलेंगे शायद। कभी ऐसा भी हुआ कि लोगों को बताना पड़ता था लॉन बॉल्स होता क्या है? हाँ बिल्कुल बताना पड़ता था, वो तो जानते भी नहीं थे लॉन बॉल होता क्या है। फिर हम लोग को बोलना पड़ता था कि आप नेट पे सर्च कर लो, यूट्यूब देख लो। सब चारों मिलके बस इंडिया को बर्मिंघम में सबको थैंक यू कहेंगे उनकी ब्लेसिंग की वजह से, क्योंकि बिना ब्लेसिंग के तो कोई काम भी नहीं हो सकता। तो आप सबको थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोगों की ब्लेसिंग काम आई। जो हमने एक सपना सोचा था इस बार कि नहीं इस बार तो कह के आना है, नहीं तो नहीं आना है फिर। और इससे क्या होगा कि आप सब सही कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलता था सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उन लोगों की भी डिमांड थी कि भैया इनका भी मेडल आना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हमें फंड प्रोवाइड कर देते आई। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो देखिए ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने इतिहास रचा है यहाँ पर, और इस खेल की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह बदल देगा। कैमरा पर्सन शंकर शर्मलिक के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, बर्मिंघम।